तो अब यहाँ पर आ गए हम FC++ के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से इन सारे वेरिएबल्स को परफॉर्म करेंगे इन पे ऑपरेशंस। तो कंट्रोल एयर करके न्यू फाइल ले ली, कंट्रोल एस करके सेव करने से पहले हैश इंक्लूड जो हमें ऐड करानी होती फाइल, स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD ऐड कर लिया, ठीक है, और इंट मैन कर दिया, फंक्शन को लॉन्च कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दिया, रिटर्न जीरो कर दिया, और यहाँ पे रिटर्न जीरो से पहले एक सी आउट एंड लाइन कर दिया, एंड एल सी आउट सिस्टम पास कर दिया सिस्टम, और फिर यहाँ पे हमने इस तरह से पूरा अपना एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिख दिया। और यहाँ पर हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं ब्लॉसम में, और यहाँ पे जाके हम लिख रहे हैं क्लास 03 मोर अबाउट वेरिएबल्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये इंटीजर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक कमांड है INT, ठीक है। जब भी आप INT लिखेंगे इसका मतलब आप कंपाइलर को कह रहे हैं कि मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, ये बनानी चाहती हूँ। अब इंटीजर वेरिएबल के लिए जो गाइडलाइन है वो क्या है, तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें हाउ शुड बी अ नेम ऑफ वेरिएबल विद गुड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो वैसे वेरिएबल का नाम स्टार्ट विद लेटर, कोई भी लेटर से शुरू होगा, डोंट यूज एनी अदर सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते हैं, डॉट क्रॉस वगैरह, ठीक है। और दूसरी क्या इसके साथ शर्त है कि कैश सेंसिटिव, मतलब अगर आप छोटी ABC में लिख रहे हैं तो उसको छोटी ABC में एक्सेस करेंगे, बड़ी ABC में लिख रहे हैं तो बड़ी ABC में उसको एक्सेस करेंगे। और अच्छा स्पेस अलाउड है, स्पेस कैन बी यूज इन वेरिएबल नेम बट इट इज नॉट कंसीडर्ड एज गुड प्रैक्टिस, ठीक है, विदाउट स्पेस रख लें बेहतर रहेगा, ठीक है। वैसे नाम स्पेस के साथ रख सकते हैं लेकिन वो विदाउट स्पेस रखेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर उसको बनाने के बाद कॉल करने में हमें बार बार इशू रहेगा ना, एक तो वेरिएबल नाम होते हैं ए, एक्सेस करना आसान है, ए स्पेस बी, अब उसको तीनों को एक्सेस करने के लिए बार बार ये नाम लिखने पड़ेंगे, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर रहे होते, लैंग्वेज में फीचर है पर हम यूज नहीं कर रहे उसको। ओके इंटीजर करा वेरिएबल का नाम, अच्छा एक और इसके अच्छे से शुड बी अ मीनिंगफुल नेम, मीनिंगफुल समझते हैं कैसा, जो काम के लिए वेरिएबल बनाया जा रहा है उससे रिलेटेड काम, से रिलेटेड उसका नाम रखेंगे, ठीक है। तो चले अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया प्राइस के नाम का, ठीक है, और सेमीकोलन लगा दिया। इस स्टेटमेंट को कहेंगे डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल या डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब कोई भी चीज अगर हमें ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन पॉइंट पे समझाने के लिए लिखनी है और हम चाहते हैं कंपाइलर उसको कंपाइल ना करे तो उसको हम ऐसे डबल स्लैश के साथ लिख देंगे आगे, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल, और यहाँ पर डेफिनेशन भी कह सकते हैं स्लैश लगा के, और डिक्लेरेशन, बात एक ही है, कहीं पर डेफिनेशन कह रहे हैं कहीं पर डिक्लेरेशन कह रहे हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब है डेफिनेशन और डिक्लेरेशन। ये जो मैंने किया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अवर प्रोग्राम, प्रोग्राम कंपाइलर विल नॉट कंपाइल दिस कोड बट कंपाइल दिस कोड, ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो इसको हम कहते हैं कमेंट्स करना, कमेंट्स, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोग्रामर लिखते हैं कि मैंने क्यों लिखा है ताकि बाद में मुझे समझ में आ जाए। तो अब इसके अंदर वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, तो असाइन वैल्यू, तो कैसे करेंगे, जो नाम रखा है वेरिएबल का वो आप लिखेंगे और आगे लगाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट, और यहाँ पे हम कोई भी एक वैल्यू पास करेंगे, इंटीजर है तो ये पास नहीं करेंगे बल्कि हम इसमें पास करेंगे एक वैल्यू, ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल दी। तो इस स्टेटमेंट का नाम क्या हो गया, असाइनमेंट ऑफ वैल्यू या असाइंड वैल्यू टू एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है, समझ में आ गया। ओके ये आपने क्या काम किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जब प्रोग्राम चलेगा तो वेरिएबल बनेगा मेमोरी के अंदर और उसका एक नाम होगा प्राइस और उसके अंदर वैल्यू जाएगी
800, ठीक है। अब इसका आउटपुट कैसे लेंगे, अभी हम जब प्रोग्राम को चलाएंगे, कंपाइल कर दिया मैंने, तो प्रोग्राम चला के एरर दे रहा है कि कह रहा है इसमें कोई मसला है, जैसे डिक्लोड इन द स्कोप एंड लाइन की स्पेलिंग गलत है, ई एंडिंग सी आउट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ये दोबारा से मैंने कंपाइल किया कोड को और ये आउटपुट देखेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा आपका यहाँ पे, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि आउटपुट हमने बनाया नहीं। अब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू का आउटपुट लेने के लिए क्या करेंगे, सी आउट लेस देन और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो जहां पर हम सी आउट के आगे प्राइस लिख रहे हैं, वहां प्राइस लिखा नहीं आएगा बल्कि प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ लिख लेते हैं आउटपुट ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। ये आपने उसका एक आउटपुट ले लिया, यहाँ से रन करते हैं प्रोग्राम को तो देखते हैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बन गया और यहाँ पे उसके आगे लिखा गया 800, सही है। ये एक तरीका है इंटीजर वेरिएबल बनाने का और उसके अंदर वैल्यू बिठाने का और उसके अंदर वैल्यू का आउटपुट करने का। अब सेम स्टेप करेंगे हम, एक शॉर्ट वेरिएबल बनाएंगे, शॉर्ट लिखेंगे उसके आगे और उसके अंदर हम लिख दें सपोज एज, और उसके अंदर एज के आगे अच्छा ऐसे लिखा एज और उसके आगे हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, फिर शॉर्ट सॉरी फिर एज लिखा असाइन किया उसके अंदर 21 डाला, फिर सी आउट किया लेस देन किया और यहाँ पे एक बार तो उसका आउटपुट आएगा, अब बिल्कुल उसके जस्ट बराबर में आ जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा इशू रहेगा इसके ऊपर। तो इसको थोड़ा चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सी आउट करेंगे लेस देन करेंगे और एंड लाइन लगा देंगे, तो एक वैल्यू ऊपर नजर आएगी और एक वैल्यू नीचे नजर आएगी। अच्छा अब इसके साथ हमने क्या करना है, इसकी शॉर्ट नोटेशन क्या हो सकती है, जो काम हम तीन उसमें कर रहे हैं तीन स्टेटमेंट, उसको हम दो स्टेटमेंट में कैसे कर सकते हैं शॉर्ट नोटेशन। तो तीसरा वेरिएबल है लॉन्ग, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ये आप शॉर्ट के साथ भी कर सकते हैं और लॉन्ग के साथ भी कर सकते हैं। शॉर्ट नोटेशन सी आउट लगाया, सी आउट और लेस देन एंड लाइन किया हमने यहाँ पे और किया यहाँ पे लॉन्ग, और एक वेरिएबल लिखा सपोज टू बी सैलरी और यहाँ पे लगा के हमने डायरेक्ट असाइनमेंट लगा के इसके अंदर वैल्यू डाल दी, देख रहे हैं डिक्लेरेशन और असाइनमेंट एक साथ कर दी, ठीक है ना। हमने क्या लिखा यहाँ पे कंबाइंड डिक्लेरेशन एंड डिक्लेरेशन कह लें या डेफिनेशन कह लें, मैं दोनों वर्ड यूज होते हैं इसलिए मैं दोनों लिखता हूँ, डेफिनेशन एंड असाइनमेंट, ठीक है, दोनों को आपने कंबाइन कर दिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये हो गया इसका शॉर्ट डिसीजन जिसमें आपने डिक्लेरेशन और असाइनमेंट साथ कर दिया, ठीक है। अब इसका सी आउट करके यहाँ पे आउटपुट ले लिया सैलरी और यहाँ पे आपने देखा तो एक नाइट पर सैलरी उसकी जो लिखी थी वो लिखी हुई आ रही है। अब हम आते हैं, ये तो थे होल नंबर्स वाले वेरिएबल्स, ठीक है ना, ये होल नंबर स्टोर कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा एक मैसेज लगा देता हूँ कि भाई ये होल नंबर वेरिएबल्स थे, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं सी आउट लेस देन टू स्टोर होल नंबर वैल्यूज, तो यहाँ पे लिख देते हैं होल नंबर वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये एक थोड़ा मैसेज भी आ जाएगा, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा भाई ये इस तरह से हो रहा है काम। और न्यू लाइन के लिए मैंने कल लास्ट टाइम आपको एक शॉर्ट नोटेशन समझाया था कि यहीं पर फॉरवर्ड स्लैश एन लगा दें, तो ये भी वही काम करेगा जो वो काम कर रहा था, कंपाइल करके कोड को हम रन करेंगे तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आगे चलने में हमें पता पड़ रहा है कि भाई ये अब फ्लोट वाले वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमने सी आउट लगाया, एंड लाइन लिया, ठीक है, और फ्लोट स्टोर किया हमने और इसके वेरिएबल का नाम लिखा, पहले इसको फुल में कर देता हूँ फिर अगले में शॉर्ट नोटेशन में कर दूंगा। तो यहाँ पे फ्लोट करके हमने एक वेरिएबल बनाया सपोज टू बी PER परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया, परसेंटेज यहाँ पे लगाया, असाइनमेंट किया 66.678, ये हमने स्टोर कराया इसके अंदर और आउट किया यहाँ पे सी आउट और यहाँ पे हमने लिखा लेस देन परसेंटेज और सेमीकोलन लगा के कंपाइल किया कोड को रन कर दिया, तो ये देखिए इस तरह से इसने इसका आउटपुट आपके सामने जनरेट कर दिया। अब डबल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करेंगे, सी आउट लेस देन करके एक नई लाइन ली हमने यहाँ पे और डबल वेरिएबल को आउट करने के लिए डबल कीवर्ड यूज़ किया और एक अगला हमने लिख दिया सपोज टू बी मिन वैल के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर डायरेक्टली असाइनमेंट भी कर रहा हूँ 12.456789 10 3, इस तरह से बड़ी वैल्यू डाल दी और इसका आउटपुट यहाँ पे बना दिया सी आउट मिन वैल और यहाँ पे आपने इसका आउटपुट ले लिया नई लाइन पे, तो इसका कुछ स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक आ गया, मिन वैल तो सही है, सी लेस देन में लगा, डायरेक्शंस नहीं लगाई थी तो मैंने डायरेक्शंस इसमें ऐड कर दी। तो ये देखिए उसकी उसने वैल्यू को दिखा दिया 4535 जो भी उसकी स्टैंडर्ड के मुताबिक था फॉर्मेट उसने यहाँ पे, तो वो आउटपुट नहीं दिखाएगा, आउटपुट नहीं दिखाएगा, फुल नंबर दिखा देगा, होल नंबर दिखा देगा, इसलिए हमें फ्लोट और फ्लोट से बड़ा है डबल, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है इस जगह पे। हाँ, लेकिन डबल वाला होल नंबर स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब अगर आप इसके आगे पॉइंट्स हटा दें
तो ये आपको होल नंबर बड़े से बड़ा स्टोर कर देगा और आपको ये दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है ना, साइंटिफिक नोटेशन में दिखा रहे हैं। फ्लोट जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम अगली क्लास में इसके साइज के बारे में पढ़ लेंगे, मैं उसको लिख दूंगा, नहीं शॉर्ट नोटेशन में लिखा है ना, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है बड़ी वैल्यू को, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि जैसे जो ये बनाए हैं इंटीजर, शॉर्ट और लॉन्ग, तीनों होल नंबर स्टोर कर रहे हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे हम यू कह सकते हैं, समझते हैं कि अगर शॉर्ट 32,000 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इंटीजर जो है 64,000 तक की वैल्यू को स्टोर कर सकता है पॉजिटिव, और लॉन्ग जो है 2 करोड़ या 20 करोड़ से ऊपर की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। मतलब डिफरेंट साइज के जो वेरिएबल हैं वो डिफरेंट वैल्यूज को शो कर रहे होते हैं। अब इसका एक चार्ट है वो मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें इनके बारे में लिखा हुआ है कौन सा वेरिएबल कितनी कैपेबिलिटी में उसका साइज और कितनी वैल्यूज को वो स्टोर कर सकता है, वो साइज आप देख लेना। इस तरह फ्लोट और डबल का भी है, फिर उसको थोड़ा मेमोराइज कर लेना। बस इसमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा वेरिएबल कम वैल्यू स्टोर करता है, कौन सा उससे बड़ा, कौन सा उससे बड़ा। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर छोटी वैल्यूज हैं तो उनके लिए छोटे वेरिएबल्स यूज किए जाएं, बड़ी वैल्यूज हैं तो उनके लिए लार्जर वैल्यूज को यूज किया जाए ताकि मेमोरी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होती रहे, ठीक है। अब हम आते हैं सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सी आउट लेस देन एंड लाइन किया और सी आर कमांड हम लिखेंगे यहाँ पे चार, और एक वेरिएबल बनाएंगे सपोज टू बी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उस पर और इसके अंदर याद रखें सिंगल कोट में जब भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को आप स्टोर करेंगे तो उसमें आप असाइनमेंट के बाद सिंगल कोट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगल कोट स्टार्ट एरो, इसके बगैर ये वैल्यू स्टोर नहीं करेगा। और उस पर कोई भी एक लेटर आप इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, ओपीडी ऑप्शन, और यहाँ पे कर दिया मैंने उसको स्टोर, सी आउट लेस देन और ऑप्शन को यहाँ पे मैंने आउट कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके ये असाइनमेंट हो गया। तो उसके अंदर एक सिंगल लेटर स्टोर हो जाएगा, उसका आउटपुट भी आपने देख लिया किसे बनाना है। फिर हम चलते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल की तरफ जो कि एक अलग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग्स आर द ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये पूरे पूरे वर्ड्स लेटर्स को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और पहले एक अंडरलाइन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन ले लिया और यहाँ पे लिखा हमने स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग लिख के हमने एक वेरिएबल का नाम लिखा। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फुल नेम लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और ये इसकी डिक्लेरेशन हो गई, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिंग फुल नेम, और उसके बाद हमने याद रखें जब भी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को आप स्टोर करेंगे तो डबल कोट्स के अंदर आप उसको स्टोर करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। डबल कोट्स में जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे वो स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक है, सिंगल कोट में करेंगे वो सिंगल कैरेक्टर होगी, विदाउट कोट्स जो भी स्टोर होंगे वो इंटीजर या फ्लोट्स होंगे, इंटीजर्स होंगे वो, समझना इस तरह से। तो उनको उसके साथ लेके चलना है। उसमें आपने लिख दिया सपोज टू बी राशिद अली सैयद लिख दिया हमने इसके अंदर, तो सही, तो उसके आगे हम उसको सेव कर देते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। तो अभी कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि मैंने आउटपुट बनाया ही नहीं था। तो आउटपुट करने के लिए सी आउट लेस देन और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल जो हमारा है उस पर सेमीकोलन लगाएंगे और इसको ये रन कर देंगे। तो ये देखें पूरा पूरा वर्ड स्टोर कर सकता है। इसको शॉर्ट नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको यहाँ पे सी आउट एंड लाइन कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, और यहाँ पे अब जाके लिखते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के बाद हम यहाँ लिखते हैं सपोज टू बी कोर्स नेम, कोर्स असाइनमेंट, और आगे ले जाके डबल कोट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोग्रामिंग। तो देखिए शॉर्ट नोटेशन में हम इसको ऐसे भी स्टोर करा सकते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं न्यू लाइन डायरेक्टली ले सकते हैं, और इसमें फिर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं C++, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ऐसे स्टोर करा देते हैं और सी आउट करके यहाँ पे लेस देन लेंगे और यहाँ पे कोट्स लिख देते हैं, तो इसका आउटपुट भी कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम उनकी कितनी डेटा टाइप्स होती है, कितने किस्म के वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके अंदर हम किस तरह से वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं और उसका आउटपुट ले सकते हैं। इसके दोनों मेथड्स हमने देखे कि एक लाइन पे भी ये दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन अगर खाली डिक्लेयर या डिफाइन करने का कहा जाए तो सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, डिफाइन के साथ सिर्फ असाइन करने के लिए कहा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन याद रखना केस सेंसिटिव, मतलब अगर छोटी एबीसी है तो यहाँ छोटी एबीसी में कंसिडर किया जाएगा। एक प्राइस आप बड़े पी से लिख रहे हैं, एक छोटे पी से लिख रहे हैं, दो अलग अलग हैं, एक नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल को इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे एक सी आउट लेस देन एंड लाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट इंटीजर, इंटीजर या कोई भी वेरिएबल लेंगे, इंटीजर एक लिख रहा हूँ माई वेल, माई वेल, और उसके अंदर एक वैल्यू डाल रहा हूँ 200, और एक ले रहा हूँ इंटीजर कैपिटल माई वेल और उसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ 300।
और जब मैं सी आउट करूंगा लेस देन और मैं लिखूंगा माई वेल, तो क्या आउटपुट आएगा आपकी नजर में? 200. तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 200, सही है? क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने स्मॉल लेटर वाला लिया, लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पे कैपिटल करूंगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? 300. तो यही वेरिएशन समझाना था. इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आता है, सपोज तो भी इसको हम हटा देते हैं. अच्छा, एक और चीज समझ लें, खाली कमेंट्स इस तरह से नहीं लिख सकते जैसे मैंने आपको ये लिख के बताया. एक और तरीका भी है, ये कोड मुझे थोड़ी देर के लिए डिसेबल करना है. ये कोड थोड़ी देर के लिए क्या करना है, तो डबल स्लैश लगा दें, डिसेबल हो गया, रीड ही नहीं होगा. और यहाँ पर अब जब मैं प्रोग्राम चलाऊंगा तो क्या आउटपुट आएगा? डिसेबल नहीं, एरर आ जाएगा. एरर क्यों आएगा? वो कहेगा कि भाई ये मुझे पता नहीं पड़ा माई वेल क्या है. अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने लिख तो रखा है माई वेल, लेकिन माई वेल में एम छोटा है और यहाँ पे क्या है, एम कैपिटल है, तो इसलिए उसको माई वेल नहीं मिल रहा. दूसरा इधर एक और कन्फ्यूजन है कि ये लिखा हुआ तो है लेकिन उस कोड को तो डिसेबल किया हुआ है, वो रीड ही नहीं कर रहा है, परफॉर्म ही नहीं कर रहा इसको, तो इसलिए वो एरर दे रहा है. तो इसके लिए आप यहाँ पे हमें करना होगा इस सिचुएशन में इस तरीके से. ठीक है, समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई.